हरे कृष्णा। आज की वीडियो में अगले हम 5 मिनट में महाभारत से सीखेंगे कि हम अपनी लाइफ में क्या प्रिंसिपल्स को फॉलो करें ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सके। हम वर्ल्ड में क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके एक बेटर वे में इस वर्ल्ड में जीत सकें। तो आइए टाइमर स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। तो आइए शुरुआत करते हैं एक रियल लाइफ स्टोरी से। ये स्टोरी है रौनक की, जो एक स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट था और एक दिन दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेलते वक्त उसने अपने फ्रेंड्स को बोला कि यार मैं बॉल सर्व कर देता हूँ तो मुझे तुम दे दो मौका। तो उसके दोस्त जो एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने कहा कि हाँ सर्विस जैसी थी तेरे को ही शोभा देती, हम तो बिजनेस ही करेंगे। ये सुन के रौनक को बुरा तो लगा और उसने मन मन में सोचा कि यार मैंने इनको कुछ करके दिखाऊंगा। तो 10 साल बीत जाते हैं, रौनक के फ्रेंड्स बाहर फॉरेन कंट्रीज में या अपने फैमिली बिजनेस में सब सेटल थे, वेराज रौनक जो है एक कॉमन सी डिग्री लेके आज भी ठोकरे खा रहा था जॉब के लिए, जो उसने कुछ टाइम के बाद जॉब ढूंढना भी छोड़ दिया। और अब वो क्या कर रहा है कि घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है और ऐसे ही समय जो है व्यतीत कर रहा है, आर्टिफिशियल शोबाजी में करने में लगा हुआ है कि वो कुछ बन गया है। अब रौनक के इन हालातों का कारण जो है वो ना केवल रौनक है पर रौनक के आसपास के लोग जो हैं, उनकी जो मेंटालिटी है, जो एजुकेशन सिस्टम में उसको जिस प्रकार का ट्रेनिंग दिया गया है वो है। क्योंकि कहीं ना कहीं रौनक को प्रोटेक्शन देने की इच्छा से जो एक सिस्टम क्रिएट किया गया था उसने रौनक को इतना कस के बांध दिया कि रौनक को ये चीज़ समझ नहीं आई कि भैया मेहनत करना किसको बोलते हैं। रौनक को पता ही नहीं है ये चीज़। रौनक को लगता है कि सब इजीली मिल जाएगा, जैसे उसको पढ़ना है आगे बढ़ेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप रौनक से जाके पूछेंगे ना कि रौनक आपने 20 साल पढ़ाई किया पर आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर कुछ स्किल है, कुछ एबिलिटी है जो आप दे सकते हैं, जिससे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में ताकि आप अपनी लाइवलीहुड जी सकें, तो रौनक बोलेगा कि नहीं, उसको पता ही नहीं है। पर वहीं हम देखते हैं महाभारत में, जब एक बार युधिष्ठिर महाराज और पूरे पांडवों का राज्य, उनकी वेपन सब कुछ छीन लिया जाता है, तब युधिष्ठिर महाराज एक्सेप्ट करते हैं उस टाइम पे कि हमारे साथ ये हो चुका है बट ये अभी पास्ट है, क्यों नहीं अब हम प्रेजेंट पे फोकस करें और कुछ और अपॉर्चुनिटीज देखें कैसे हम अपने आप को आगे सर्वाइव कर सकते हैं। वो लोग जाते हैं, अर्जुन को भेजते हैं कि जाके इकट्ठा करो, सेलेस्टियल वेपन से इकट्ठा करो, राजाओं से दोस्ती करो, वापस अपने आप को स्ट्रांग करते हैं। रौनक की तरह यही नहीं कि ऑफ ट्रैक ही चले गए कि भैया कहीं भी जा रहे हैं कुछ भी करें और किसी भी प्रकार का योगदान जो है उनकी लाइफ में कहीं से कुछ नहीं आ रहा। तो युधिष्ठिर महाराज की लाइफ से हम एक प्रिंसिपल सीखते हैं जिसको आजकल की भाषा में पैरामीसियम प्रिंसिपल बोला जाता है। पैरामीसियम प्रिंसिपल है क्या? पैरामीसियम प्रिंसिपल ये है कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट है, कोई हॉबी है या आपको कोई चीज़ करने में अच्छा लगता है तो आप उस पर फोकस करके उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस करो अपनी लाइफ में, है ना, आप कॉन्ट्रीब्यूट करो सोसाइटी में, और अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है। बट कभी अगर आप अटक जाते हो सिचुएशन में कि आप इस चीज़ को प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे हो, है ना, आप इस चीज़ पर कुछ फोकस कर ही नहीं पा रहे हो, तो तब आप रुक जाओ, थोड़ा घूमो, यानी डायरेक्शन चेंज करो, आप कुछ नया ट्राई करो और फिर उसमें आगे बढ़ो। ये प्रिंसिपल जो है पैरामीसियम प्रिंसिपल है, जैसे हम युधिष्ठिर महाराज की लाइफ से देख ही रहे थे कि जब उनसे सब कुछ छीन लिया गया तो वो रुके नहीं, वो आगे बढ़े, उन्होंने डायरेक्शन चेंज किया और फिर कहीं और फोकस करना चालू किया कि हम चलो वेपन्स पे पहले फोकस करते हैं, हमें बाद में वेपन्स की तो नीड होगी ना, वेपन्स लेते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन आपके लिए यही है कि आप पैरामीसियम प्रिंसिपल बहुत एक सिंपल वे में प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपनी फैमिली में 5,000 रुपये हर महीना कंट्रीब्यूट करो, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आप कोई सही तरीके से काम करके ये पैसा कमाओगे और आप अपनी फैमिली में इतना जो मनी है वो सपोर्ट करोगे। इससे होगा क्या कि आपको विवश होगे कि आप बाहर जाके मेहनत करो, आप वर्ल्ड से इंटरेक्ट करो और ये जो यूटोपियन वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है कि सब कुछ अच्छा होता है ये ब्रेक होगा और आपको समझ आएगा कि वर्ल्ड कैसे है काम करता है, आपके अंदर क्या एबिलिटीज है, स्किल्स हैं और आप कैसे जो है अपनी लाइफ में आगे फर्दर अपने करियर को भी डायरेक्ट कर सकते हो। क्योंकि जब लोगों से आप इंटरेक्ट करोगे लोग पिन पॉइंट करेंगे कि आप ये बहुत ईजिली कर लेते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, तो आपको लगता है कि हाँ ये ईजिली हो गया मेरे लिए, क्या बड़ी बात है, बट यही तो आपकी स्ट्रेंथ है ना। कई बार लोग बोलेंगे कि आप बहुत पंक्चुअल हो बट आपको कई बार पता है कि भैया मैं पंक्चुअल हूँ बट कभी कभी मैं बहुत स्ट्रगल भी फेस करता हूँ, है ना। बोथ ऑफ द पीपल ओपिनियंस आर ट्रू कि आप पंक्चुअल भी हैं बट कभी कभी आप यू नो चैलेंजेस फेस करते हैं, तो दैट मीन्स कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे आप और अगर रिफाइन करो तो आप इसमें और अच्छे से पंक्चुअल हो सकते हो या और प्रोडक्टिव हो सकते हो, ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं या बहुत सारी एबिलिटीज होंगी जो आपकी धीरे धीरे ऐसे आइडेंटिफाई होंगी।
आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में जाओगे तो एक डेटा कलेक्ट होगा ताकि आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आप कोप कौन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ इस एज में है, खासकर स्कूल्स कॉलेजेस में जितने भी बच्चे हैं उन सबके पास ये अपॉर्चुनिटी जानी चाहिए कि वो ये वीडियो को देखें और ट्राई करें अपने आप को एक्सप्लोर करने का सही तरीके से। और कमेंट करिए कि आपको क्या पॉइंट बेहतरीन लगा, आप कैसे इसको ट्राई करने वाले हैं। और जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कंसिडर करिए हमारे चैनल को डोनेट करने का, ताकि हम लोग ये प्रयास बार बार आप तक ला सकें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।